जो 1 करोड़ का वीडियो बना सकते हैं भोजपुरी में, 1 करोड़ का वीडियो बन सकता है बताइए, जवाब दीजिए। 5 लाख का वीडियो बनवा लीजिएगा हमसे, बजट ही नहीं है, रिकवरी नहीं है, कहाँ से क्या करेगा, रिच कैसे, हम फरारी कहाँ दिखाएंगे। पहले के एक समय में जब बात भक्ति गीतों की होती थी तो किस तरह के भजन गीत आते थे आप भी जानते हैं, लेकिन बदलते वक्त के साथ अब भक्ति गीतों के पैटर्न में भी फर्क आने लगा है और किस तरह के गीत अब आ रहे हैं इसका जीता जागता नमूना है भोजपुरी में आज कल आ रहे बोलबम गीत। सावन जब से शुरू हुआ है तब से सभी स्टार्स, खासकर 2 सुपरस्टार्स खूब लोगों को इंजॉय करवा रहे हैं। आप समझ ही चुके होंगे कि हम किन का नाम लेने वाले हैं। यह है पावर स्टार पवन सिंह और सुपर स्टार खेसारी लाल यादव। इन दोनों सिंगर्स की बदौलत पूरा सावन बारिश के मौसम जितना ही सुहावना साबित रहा है। हालांकि इनके लाए कुछ ऐसे गाने हैं जिस पर लोग सवाल भी उठा रहे हैं। दरअसल आजकल गांजा, दारू, चीलम, भांग, दतूरा, इस तरह के टाइटल वाले ट्रैक आ रहे हैं जिसके बारे में सबकी अपनी एक अलग अलग राय है। और आज इसी बारे में एक मीडिया बातचीत में डायरेक्टर आपके प्यारे रवि पंडित यानी पुदीना से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, क्या बयान दिया, आइए आपको बताते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, ये सब नाम जो आप ले रहे हैं ये वो नाम है, वो चीजें हैं, स्वयं भगवान शिव भी लेते हैं, भोलेनाथ के ये सब नहीं लेते। क्या बाबा को भांग नहीं चढ़ता, क्या बाबा को धतूरा नहीं चढ़ता। देखिए कोई भी राइटिंग करता है तो वो वही ना लिखेगा जो होगा, और अगर एक जैसा ही कंटेंट ऑडियंस सुनती रहेगी तो अपनाएगी नहीं। जनता के हिसाब से कंटेंट में समय समय पर बदलाव करना पड़ता है। अब भोले बाबा से जुड़ा हुआ गाना है तो उन्हीं से जुड़ा हुआ है तो लिखा जाएगा ना, चाहे वो सही हो या ना हो। अब देवी गीत जब आता है तब देवी के बारे में वही कहा जाता है ना गाने में भी, जो होता है हमें रियलिटी को ही बताना पड़ता है। रवि पंडित ने रिपोर्टर के उस सवाल का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने ये कहा था कि क्या इस तरह के गीतों से भोजपुरी एल्बम का इंडस्ट्री का स्तर गिर रहा है, तो उसका जवाब देते हुए रवि पंडित ने कह डाला कि अगर वाकई में स्तर गिरता तो गाने ट्रेंडिंग में ना होते, क्योंकि गिरते हुए स्तर वाले गाने ट्रेंडिंग में नहीं जाते। वैसे हम तो इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहेंगे क्योंकि जिस हिसाब के गाने बनते हैं आते हैं और वो वाकई कमाल के रिकॉर्ड्स बनाते हैं वो देखकर तो लगता है कि जनता ऐसे गाने सुनना और देखना पसंद कर रही है आज के हिसाब से, इसलिए इन्हें सुनती भी है, आगे भी लेकर आती है और ट्रेंडिंग लिस्ट में खूब कमाल के रिकॉर्ड भी बनवाती है। हालांकि आप हमें बता सकते हैं कि आपकी इस बारे में क्या राय है, क्या मशवरा है, क्या सजेशन है नीचे कमेंट बॉक्स में। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।